कल ये लेटर रानी के लिए रख के निकल जाऊंगा। लेकिन उससे पहले उनकी जमीन उन्हें वापस लानी होगी। इस कबड्डी मैच का हिस्सा बनकर नहीं, मुझे कुछ ठोस करना होगा। आज तक भी जो मैंने आपके लिए किया है और जो मैं करने जा रहा हूं, आपको जो छोड़ के जा रहा हूं, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो जुआन जय ने खेला है ना, तो उसे हमारा क्या लेना। ये सच है कि जैकी और हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। ए, चुप कर वरना। हमारे भाई की गलती की सजा किसी मासूम को नहीं मिलेगी, खास करके एक औरत को तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आज के बाद नंदिनी पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो पैसे गिनने के लायक नहीं रहोगे। अब तक अपने भाई की वजह से चुप थे, पर अगर नंदिनी पर कोई आंच भी आई ना, तो तुम सबका परिवार तुम्हारी तस्वीरों पर माला चढ़ा रहा होगा। सब किसने किया? अरे दामाद जी, अच्छे से सोए ना जी। अरे झुक झुक जी, हमेशा खुश रहिए। बाकी सब दिखाई नहीं दे रहे। दामाद जी का है ना, कबड्डी का मैच है, इसलिए सब लोग निकल गए। कौनो चीज की कमी तो नहीं है ना? रानी बिटिया कह के गई रही आपके लिए ही नाश्ता, इसमें काली चाय, ये सब करके गई है। आप अच्छे से कर लीजिएगा। वो कहा है ना, हम कबड्डी का मैच देखे जा रहे हैं और ये मैच बहुत जरूरी है हमारे परिवार के लिए, जल्दी आ जाए जी।